अब एक और बात करते हैं भारत के प्रोपेगेंडे की। कल से आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, टीवी चैनल्स पर भी देखा, एक नया आशोचा छोड़ा गया भारत की जानिब से, लेकिन अफसोस कि नाची न्यूज़ ने उनके किए किराए पर पानी फेर दिया। दो तलबा है पाकिस्तान के, मदरसा है इमदादिया जो कि फैसलाबाद का मदरसा है, और वो रायवंड आए इस सभा में, उसके बाद घूमने फिरने के लिए गए और गंडा सिंह गंडापुर जो बॉर्डर है वहाँ पर गए। जाहिर है तस्वीर बनाते हैं, सब बनाते हैं बॉर्डर पर जाते हैं तो, लेकिन वो किसी तरह से सोशल मीडिया से एक चैनल ने उठाए, उसको देखे देखे में दूसरे ने उठाए, और यूं करते करते स्टेट और दिल्ली के लोगों ने, जो वहाँ के करता धरता है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये दो टेररिस्ट है, दहशतगर्द हैं जो भारत में घुस आए हैं। इसी पर बात करने के लिए मियाँ शफीक ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियाँ शफीक, पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और आपने जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था भारत की जानिब से, बेनकाब किया और उस पर पानी फेर दिया उनकी तो उम्मीदों पे, मैं तो ये कहूँगा। अब ये बताएगा कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है जिसकी बेस पर भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है? देखिए, वैसे तो कोई भी मौका भारत अपने हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन इस दफ़ा तो भारत ने और उसके मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना अपने काम की बिल्कुल इंतहा ही कर दी। सोचा भी नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी रियासत का इतना बड़ा मीडिया इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। देखिए, दो नौजवान मासूम तुलबा जो दीन की तालीम ले रहे थे और जिनका दूर दूर तक भी कोई ऐसा अमल नहीं था, और फिर वो उस अदारे के साथ वाबस्ता थे जिसकी एक अपनी पहचान, अपनी एक मिसाल है, सालों से वो तारीखी मदरसा है। जी बिल्कुल, 8 साल से ज़ेर तालीम है, और उनकी सरगर्मियाँ हमने, चूँकि जिस तरह रात मैंने खुद जाके तमाम रिकॉर्ड चेक किया, उनकी हाजिरियाँ, उनका वहाँ रहन सहन, फिर जो अदारे का माहौल रश्क आता है देखकर, इतना खूबसूरत, इतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी तालीम। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दुश्मन ने क्या किया कि जो, देखिए ये वो मुल्क है जो हमारे परिंदों से डरता है, ये तो फिर इंसान है, नौजवान थे वो, तो हमारे परिंदों से कबूतर से डर जाता है, गुब्बारे वहाँ अगर चले जाए उनसे डर जाता है। तो बहरहाल ये तो नौजवान, देखें गए तो थे, जिस तरह हमने रिकॉर्ड सारा रात भी सारी तफसीलात बताई कि वो रायविंड में जो एक तारीखी इज्तिमा होता है उसमें शिरकत के लिए गए थे। ना सिर्फ ये दो लड़के थे, तालिबे इल्म थे, काफ़ी बड़ी तादाद में थे, मदरसे से पूरा एक वफद गया था, फिर अतराफ़ की जो कॉलोनी है वहाँ के।